नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा, खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मौका मिलता है। गढ़वा जिला फुटबॉल का शुभारंभ चिनिया प्रखंड के चिरका स्थित आईटीआई मैदान में किया गया। इस अवसर पर गढ़वा जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हॉकी एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष अरविंद तूफानी, गढ़वा जिला फुटबॉल संघ के चेयरमैन जिनाउद्दीन खान, समाज सेवी अयूब मंसूरी, धर्मराज भारती, आनंद यादव, वॉलीबॉल के राष्ट्रीय कोच अरुण तिवारी, विनोद यादव एवं बाबू राम सिंह द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अरविंद तूफानी ने कहा कि गढ़वा जिला फुटबॉल लीग शुरू होने से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें गाँव में बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और उन्हें जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। फुटबॉल संघ के चेयरमैन ने जिनाउद्दीन खान ने कहा कि यह प्रतियोगिता हर प्रखंड के मुख्यालय में कराया जाएगा, जिससे गांव एवं पंचायत स्तर के बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए अच्छी तकनीकी कोच द्वारा उन्हें बेहतर खिलाड़ी के रूप में निखार आएगा एवं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाने का मौका मिलेगा। मैच में उद्घाटन में चिरका फुटबॉल क्लब ने चिनिया फुटबॉल क्लब को 3-0 से हरा कर 2 अंक अर्जित किए। वहीं दूसरी मैच में रनपुरा फुटबॉल क्लब एवं जून क्लब के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमें बराबरी पर रहीं और 1-1 अंक हासिल की। एक अन्य मैच में चिरका की टीम ने जून की टीम को 2-0 से हराकर इस मैच में 2 अंक अर्जित किए। इसके पूर्व अरविंद तूफानी एवं समाजसेवी अयूब खान के द्वारा फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राम वृक्ष सिंह, बाबू राम सिंह, विनोद यादव, अभय सिन्हा, सुधीर कुमार, विजय सिंह, रतन सिंह, रवि रंजन सिंह सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे।